हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम विधि ज्ञान के चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा IPC सेक्शन 379। तो जो पिछला हमारा सेक्शन था 378, थेफ्ट और चोरी के बारे में बताया गया था। भी चोरी के क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है डिसऑनेस्टली किसी की एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसको जिसकी प्रॉपर्टी है उसको वहाँ से आउट ऑफ पोजीशन कर दे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो जो 378 जो थेफ्ट है, अगर कोई चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी और वो किस सेक्शन के माध्यम से दी जाएगी, वो सेक्शन 379 है, जिसमें थेफ्ट की पनिशमेंट बताई गई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भी कई स्टूडेंट पूछते हैं जैसे कि भी अगर कोई थेफ्ट करता है या कोई कोई और क्राइम करता है तो उसको जो थ्री जो चोरी करता है तो उसको 378 जब FIR दर्ज होती है तो 378 क्यों नहीं लगती, और जो कोई कोई मर्डर करता है तो 300 में मर्डर की डेफिनेशन है तो वो 302 में क्यों काउंट होती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई 378 में चोरी की डेफिनेशन दी गई या कोई चोरी करता है तो उसको 378 नहीं FIR में दर्ज होगी, वो 379 जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान दिया जाता है वो सेक्शन काउंट किया जाता है FIR में, ना कि जिसमें डेफिनेशन दी जाती है वो सेक्शन काउंट होता है। भी जैसे अगर किसी ने मर्डर किया है तो 302, अगर किसी ने चोरी की है तो वो 379 में जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान हो वो FIR में सेक्शन काउंट होता है। ये आप बात को ध्यान में रख लीजिएगा, जो स्टूडेंट पूछते हैं कभी कभार भी ये क्यों होता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना, अभी जिस सेक्शन में पनिशमेंट का प्रावधान होता है वो सेक्शन FIR में काउंट होता है, वो सेक्शन लिखा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है पनिशमेंट, जो थेफ्ट की पनिशमेंट बताई गई है वो 379 में बताई गई है, और 379 में जो चोरी की थेफ्ट की पनिशमेंट है वो कितनी होगी, आइए डिस्कस करते हैं। जो कोई चोरी करेगा, हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच एक्सटेंड 3 ईयर विद फाइन और विद बोथ, उसको 3 साल तक की सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों से ही उसको फाइन किया जाएगा। भी मेन बात जो है, भी अगर कोई चोरी करेगा तो उसको 3 साल तक की सजा दी जाएगी या उसको जुर्माना होगा या दोनों से ही उसको फाइन किया जाएगा। तो आई होप कि आपको 379 के बारे में पता लग गया होगा, अभी 378 की जो पनिशमेंट है वो 379 में दी गई है और कितनी पनिशमेंट दी गई है, और पनिशमेंट का ही सेक्शन क्यों FIR में काउंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई नई जो वीडियो बने उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो है कानून की जो है शिक्षा आपको प्राप्त होती रहे और आपका कानून की है शिक्षा में आपकी वृद्धि होती रहे। तो विधि ज्ञानन के चैनल के माध्यम से आपको ये और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।